हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट विद सूरज। और आज हम बात करेंगे अदानी के स्टॉक्स के फ्यूचर के बारे में। क्या होगा उनका फ्यूचर, कैसे होगा, स्टॉक्स कैसे परफॉर्मेंस देंगे, क्या होगा आगे जाके, ये सारी डिस्कशन हम करेंगे। न्यूज़ क्या क्या ये, वो सारे डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है गौतम अदानी। ये पहले आपको रिचेस्ट मैंस में दिख रहे थे, लेकिन अभी थोड़े दिनों की वजह से जो गिरावट हुई है उसके बाद ये थोड़ा अपनी पोजीशन से नीचे आ चुके हैं। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ कि ये रिचेस्ट मैन की लिस्ट में थोड़ा नीचे आ गए? तो चलिए हम देखते हैं। हजारों करोड़ों का नुकसान हुआ इनको, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इनके स्टॉक्स देखते हैं हम, स्टॉक्स ने इनका कैसा परफॉर्मेंस दिया है वो सब देखते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये अदानी एंटरप्राइजेस है, ये अदानी ग्रीन है, ये अदानी पोर्ट है। यहाँ पे 18% से गिरावट हुई है, यहाँ पे 20% से गिरावट हुई है, यहाँ पे 16.29% से गिरावट हुई है। ये इतना मेजर गिरावट आपने पहले कभी देखी नहीं होगी, इतने मतलब स्टॉक्स गिर गए। तो ऐसा क्या हुआ कि अदानी ग्रुप के पूरे स्टॉक्स ऐसे नीचे गिर गए, 15-15 20-20% से नीचे गिर गए। तो देखिए, ये जो अदानी ग्रुप के ऊपर जो न्यूज़ बनाई है वो किसने बनाई है, अमेरिका की एक छोटी सी कंपनी है, हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म नाम की कंपनी है, उन्होंने इसके ऊपर न्यूज़ बनाई है। क्या न्यूज़ बनाई है कि उनका कहना है कि इस कंपनी में बहुत सारे मतलब घपले हुए हैं, मैनिपुलेशन हुई है, और इसके वजह से क्या हुआ है कि ये इतने रिचेस्ट मैन बन गए। तो ये फर्म क्या करती है, जो कंपनी में जो घोटाला होता है, जो डिजास्टर्स होते हैं, जो कंपनी झूठ बोलती है, उनके परफॉर्मेंस जो झूठा परफॉर्मेंस होता है उसको क्या करती है, पर्दाफाश करती है। तो इस कंपनी ने पहले क्या क्या किया है, पहले इसने ट्विटर 16 ऐसी कंपनियां हैं जिनके बारे में इसने अपनी रिपोर्ट बनाई है। और वो रिपोर्ट में क्या हुआ है कि हर रिपोर्ट में जिस जिस कंपनी के उन्होंने मतलब रिपोर्ट बनाई है वो सारी कंपनियां क्या हुई है, फॉल हो गई है। तो वैसे ही रिपोर्ट इन्होंने क्या बनाई है अदानी ग्रुप के बारे में, ये देख सकते हैं आप। हिंडनबर्ग के रिसर्च फर्म के आप वेबसाइट है, यहाँ पे हम देख सकते हैं उन्होंने पूरी ऐसी लिस्ट जो यहाँ पे दी है वो हम देख सकते हैं क्या क्या मतलब एलिगेशन उन्होंने लगाए। तो सबसे पहला कंपनी के बारे में जान लेते हैं, जो हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म है, ये अमेरिकन कंपनी है। इसके फाउंडर नेथन एंडरसन है। और कुछ दिनों पहले आप देख सकते हैं कि जब ट्विटर का मतलब सीन हुआ था तब इन्होंने क्या हुआ था, अपनी टिप्पणी दी थी और स्टॉक्स मतलब बहुत गिरे थे। और इन्होंने क्या हुआ था, निकोला जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनके बारे में भी इन्होंने क्या दिया था, अपनी रिपोर्ट दी थी कि मतलब गाड़ियां नहीं है फिर भी ये क्या कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं और मतलब फेक न्यूज़ बना रहे। तो वहाँ से भी वो प्राइसेस वहाँ से भी गिरे थे। तो कल क्या हुआ कि अदानी ग्रुप के बारे में भी ऐसी खबर आई और फिर क्या हुआ, बहुत बड़ा फॉल आया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अदानी के जो स्टॉक्स है इसमें बहुत बड़ा फॉल आया। और यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी कैसे गिरा है। बैंक निफ्टी क्यों गिरा, क्योंकि बहुत सारा कर्जा अदानी ग्रुप ने बैंकों से लिया है, इसलिए बैंक भी पैनिक में आ गए थे और बैंक भी नीचे गिर गए। तो हम देखते हैं कि एलिगेशन क्या क्या लगाए हैं इन्होंने। ठीक है, तो सबसे पहला इन्होंने मतलब रिसर्च क्या क्या की, जो कंपनी के अधिकारी थे, ऑफिसर्स जो थे, जो एम्प्लॉय थे, एक्स एम्प्लॉय थे या फिर जो जो एम्प्लॉय थे उनसे बातें की, कंपनी के मतलब एनुअल रिपोर्ट्स देखी, कंपनी का परफॉर्मेंस देखा और इसके ऊपर उन्होंने क्या किए, रिपोर्ट बनाई है। तो इनके एलिगेशंस क्या क्या है, इनके एलिगेशंस ये हैं कि इन्होंने क्या किया है, स्टॉक्स में बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। तो क्या किया है इन्होंने, अकाउंटिंग में फ्रॉड किया है।
ऐसा हिंडनबर्ग कंपनी का कहना है। दूसरा क्या हुआ कि इनके शेयर्स ओवर वैल्यूड है कहा, वो जो सच है, मतलब बहुत लोग कहते हैं ऐसा कि इनके स्टॉक्स ओवर वैल्यूड है। और फिर नेक्स्ट क्या हुआ कि उनका क्या कहना था कि ये ओवर वैल्यू होने की वजह से स्टॉक्स इनकी क्या होंगे, 50% से स्टॉक नीचे गिर जाएंगे। ये इनका कहना है। और इनके बारे में और एक एलिगेशन क्या लगा है कि ये क्या करते हैं, शेयर को पंप करते हैं, इनके शेयर्स को पंप करते ऊपर लेके जाते और फिर क्या करते हैं, बैंकों से कर्जा लेते कुछ और खरीदने के लिए, इनके ऊपर टैक्स पेयर चुराने का, मनी लॉन्ड्रिंग का, भ्रष्टाचार का ऐसा मतलब आरोप भी है और सरकारी जांच शुरू है, ऐसा मतलब हिंडरबर्ग का कहना है। फैमिली मेंबर्स के ऊपर भी एलिगेशन लगे। और कुछ इन्वेस्टर्स तो ऐसे निकले हैं, हिंडनबर्ग का वेबसाइट का कहना, हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म का कहना है कि कुछ इन्वेस्टर्स इसमें ऐसे हैं जिनका कोई वजूद ही नहीं है, मतलब फर्जी कंपनियां हैं जिनका कोई कांटेक्ट नहीं, जिसके कोई एम्प्लॉय नहीं है, ऐसी पूरी जानकारी उन्होंने अपने रिपोर्ट में दी है। और उनका कहना है कि सेबी अगर अच्छे से जांच करेगी तो अदानी ग्रुप के सारे मतलब शेयर्स और जो कंपनियां हैं अदानी ग्रुप की, वो क्या हो जाएंगी, शेयर मार्केट से डिलिस्ट हो सकती है, ये उनका कहना है। फिलहाल हम क्या करते हैं, उन्होंने जो कहा है वो ठीक है, लेकिन जो अदानी ग्रुप में इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने क्या करना चाहिए, उन्होंने क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए बस सारी खबरों पे, अभी कुछ प्रॉफिट में कुछ लॉस में, इसके आगे क्या हो सकता है, इसके क्या आगे क्या सकता है, वो अभी हम टेक्निकल एनालिसिस में देखेंगे। ये अदानी एंटरप्राइजेस है, ये हम क्या करते हैं मंथली चार्ट लगा के देखते हैं थोड़ा, तो आप देख सकते हैं क्या क्या हुआ इस अदानी ग्रुप में। ये देखिए ये क्या हुआ है, मार्केट इतना मतलब ऊपर गया है, अप ट्रेंड में बहुत शार्प ऊपर गया है, मतलब स्टॉक्स का मतलब कैसे रहता है ऐसे मतलब मूव करते ऊपर जाते हैं स्लो एंड स्टेडी, लेकिन इन्होंने क्या किया है डायरेक्ट ये क्या हुआ है, स्टॉक ऊपर गया इसलिए इतना मतलब नीचे आ गए। और अभी हम लोग को क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिन्होंने यहाँ पे बाई किया है उनका स्टॉप लॉस किधर है, या इधर है, और बाकियों को जो नीचे बाई किया है उनका स्टॉप लॉस इधर है, तो ये यहाँ से यहाँ तक भी आ सकता है, कुछ कह नहीं सकते, यहाँ तक भी आ सकता है, इसलिए आप थोड़ा सावधान हो जाइए, आपको क्या करना है आपका डिसीजन है, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस क्या कहता है वो आपको बताना बहुत जरूरी है। ये देखिए अदानी ग्रीन है, अदानी ग्रीन में भी आपको शार्प फॉल दिख रहा होगा, ये देखिए देखिए ये मार्केट ऐसे ऊपर गया और ऐसे फॉल हुआ है, तो अभी जिन्होंने यहाँ पे बाय किया उनको स्टॉप लॉस कहाँ होगा, यहाँ होगा, तो मार्केट यहाँ तक भी आ सकता है। और मार्केट अभी क्या हुआ है देखिए, अभी हम थोड़ा देखते हैं कि अभी मार्केट इतना गिरा है नीचे, यहाँ से इतना गिरा है, शार्प फॉल हुआ है, तो थोड़ा पुल बैक लेगा, तो इसमें ट्रेड करना इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए बहुत रिस्की है, तो थोड़ा आप सावधानी से कीजिए, थोड़ा ये पुल बैक लेगा और फिर शायद से नीचे आ सकता है, और जब आएगा तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेल कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट बना सकते हैं, लेकिन सावधानी से, अगर कुछ भी उल्टा सीधा हुआ तो आप बहुत बड़े लॉस में आ सकते हैं, नए ट्रेडर्स है वो इससे दूर ही रहे, उनके लिए मतलब बहुत डिफिकल्ट चीज है ये। और ये देखिए अदानी पोर्ट, ये देखिए ये भी वैसी ही है, यहाँ से आप देख सकते हैं सीधा आप ट्रेंड में ऊपर गया, यहाँ से फॉलो, अभी ये क्या है यहाँ पे बाई किया उनका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, तो आप सोच सकते हैं यहाँ पर भी आ सकता है, इसलिए आप मतलब आपके शेयर से आपके स्टॉक्स है आप जैसे चाहे मतलब निकाल सकते हैं, रख सकते हैं, कहाँ पे स्टॉप लॉस प्लेस करना है वो मैंने आपको बता दिया है अभी, तो अगर प्रॉफिट में है तो निकलना है रहना है वो आपकी मर्जी है, लेकिन क्या हुआ है इनके एलिगेशंस की वजह से भी इन्होंने क्या क्या कहा है, 50% नीचे आ सकता है, तो एक रिपोर्ट इससे पहले भी आई थी, वो किसके बारे में थी, टाटा एलेक्सी के बारे में थी, कि स्टॉक्स बहुत ओवर वैल्यूड है, तो क्या हुआ ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखेंगे ये देखिए
ऐसे क्या हुआ, स्टॉक्स ऊपर गया और यहाँ से नीचे आया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये इसका यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा जिन्होंने यहाँ पे बाय किया है। तो कुछ लोग यहाँ पे वेट कर सकते हो और यहाँ पे बाय कर सकते हो ऊपर जाने के लिए। तो ये क्या है, बाइंग जोन है। तो इसी तरह अदानी के स्टॉक्स में भी है, और बैंक निफ्टी में भी थोड़ा आप बैंक निफ्टी में ट्रेड ना ही करे करे तो बेहतर है। निफ्टी में आप ट्रेड कीजिए, और जो ऑप्शंस ट्रेडर है वो निफ्टी में ट्रेड कीजिए, क्योंकि बैंक निफ्टी आपको प्रॉफिट बहुत बड़ा दे सकता है और लॉस भी बहुत बड़ा दे सकता है। तो ये सब था अदानी का फ्यूचर, अदानी ग्रुप का फ्यूचर। आपको स्टॉक्स में रहना है नहीं रहना ये आपकी मर्जी है, जो करना है। लेकिन अभी जिस तरह से ये फॉल हो रहा है, तो और मतलब पुल बैक लेके नीचे गिरने की चांसेस बहुत ज्यादा है, इसलिए आप थोड़ा संभल के रहिए। मतलब इसमें पैसे लगाए और ट्रेड करें। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों में इस इंफॉर्मेशन को शेयर कीजिए, और जिन्होंने जिन्होंने अदानी ग्रुप की शेयर्स लिए उनके उन तक ये इंफॉर्मेशन जरूर पहुंचाइए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।